डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपको पेपर में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ गिवन है, और कैसा गिवन है, ऐसा गिवन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है। अब स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा पूछने वाला ऑब्जेक्टिव्स में। वो जानबूझ के लोगों को वेलोसिटी से काम करने की आदत है, वो डिस्टेंस टाइम दे देगा, आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, तो मतलब स्पीड स्लोप सॉरी जीरो है, स्लोप है ही नहीं, तो इसकी स्पीड क्या है? जीरो है। इसे ये इंटरप्रेट हुआ, ठीक हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो देखते ही पता लग रहा है ये चीज। नेक्स्ट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड देती है, तो अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट की स्लोप मेरे को क्या देगी? स्पीड। तो आप चेक करो, स्लोप हर पॉइंट पर बढ़ती 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 और बढ़ती जा रही है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये कौन सा केस है? स्पीड बढ़ रही है तो इसमें एक्सेलरेशन है। तो अगर आपका ग्राफ पैराबोला बना हुआ है, इसका मतलब कि बॉडी की स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक हो गया। अगर ग्राफ डिक्रीजिंग पैराबोला है, तो स्लोप पहले ऐसी थी, घटती घटती घटती, देखो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना हर पॉइंट पर, घटती 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 जा रही है, तो स्पीड घट रही है, तो यानी कि रिटार्डेशन है। तो ऊपर जाना स्पीड बढ़ना, एक्सेलरेशन है। नीचे को आना, स्पीड कम होना, रिटार्डेशन है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अगर मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको पेपर में ऐसा गिवन है, इसमें टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। डिस्टेंस भी कभी घटा है? डिस्प्लेसमेंट तो घट सकती है, डिक्रीज हो सकती है, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा ही। तुम ऊबर में बैठ जाओगे, तुम अपने राइड लेते रहोगे, डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा कभी भी नहीं। तो डिस्टेंस कभी नीचे आता ही नहीं, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, नॉट पॉसिबल। अगर ग्राफ ऐसा है, ऐसा डिस्टेंस का, तो ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे दो डिस्टेंस की वैल्यू दिखा रहा है, जैसे ये 4 मीटर है, ये 40 मीटर है। ऐसा हो सकता है एक टाइम पे बंदे दो डिस्टेंस के ऊपर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर इधर देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधा जा रहा है, मतलब इस टाइम पे डिस्टेंस 2 मीटर भी है, 4 भी है 6 भी है 10 भी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो एक टाइम पे मल्टीपल डिस्टेंसेस नहीं हो सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो वो चेंज कर गया ग्राफ, अब वो क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के साथ आंसर आएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है, बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप बढ़ती 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 जा रही है, वेलोसिटी यानी कि स्लोप ऊपर 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 हो रही है, टेंजेंट ऊपर हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। स्लोप कम 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 होती जा रही है, वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब स्लोप डाउन होती जा रही है, रिटार्डिंग मोशन, रिटार्डेशन है। इसके अंदर इमेजिन करो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 मीटर थी, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम 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 हो रही है, और फाइनली क्या हो गई? जीरो। ग्राफ को देख के मत सोचो, जब प्रैक्टिकली सोचोगे तो गाड़ी कैसे चल रही है कोई बताएगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है, वापस आ रहा है। मतलब अगर ये ओरिजिन है, आपकी गाड़ी ओरिजिन की तरफ आ रही है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है, यानी कि पहले कुछ तो एक्स की वैल्यू थी, एक्स 10 था, 9 था, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, और फिर जीरो हो गया, यानी कि गाड़ी वापस आ रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी भी नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव साइन क्या शो करता है? बॉडी इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ जा रही है। अच्छा, मैथमेटिकली इसका जो एंगल ये बनेगा वो ग्रेटर देन 90 है। मैथ्स में जो भी एंगल बनेगा ग्रेटर देन 90, वो स्लोप होती है टेन थीटा, और अगर मैथ्स में एंगल ग्रेटर देन 90 है तो टेन थीटा नेगेटिव आता है हमेशा। हम करेंगे ये, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 120 या 150 है, टेन थीटा नेगेटिव आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है?
वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब बॉडी उल्टी तरफ चल रही है, क्लियर है? तो मैंने वैल्यू से भी समझा दिया, मतलब घट रही है डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी ओरिजिन की तरफ जा रही है, और मैंने वैसे भी समझा दिया वेलोसिटी नेगेटिव है तो वो ओरिजिन की तरफ जा रही है, उल्टी तरफ जा रही है। तो समझ में आ रहा है ग्राफ देखते ही? जैसे ये ग्राफ है, ये तो मैंने वैसे आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, 2 मिनट समझा दूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मन में सोचो डिस्प्लेसमेंट, मान लो कोई वैल्यू असाइन कर दो, 100 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट घट रही है, 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 क्या हो गई? 0 हो गई। फिर डिस्प्लेसमेंट -10, -20, -100, -100, 200 हो गई। तो पहले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव से 0 हो गई, 0 से नेगेटिव होगी, मतलब अच्छा चलो ऐसे एज्यूम कर लें, ये ओरिजन है, पहले 100 मीटर पे गाड़ी थी, 100, 90, 80, 70, ओरिजिन पे कितनी हो गई डिस्प्लेसमेंट? 0। और फिर नेगेटिव हो गई, यानी कि बॉडी रुकी नहीं, उस पॉइंट को क्रॉस करती हुई नेगेटिव की तरफ चली गई, -10, -20, -30, -100। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? वेलोसिटी में पहले वेलोसिटी पहले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है 100 मीटर, 70 मीटर, फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई, क्वाड्रेंट चेंज हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है यानी कि इस तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव यानी कि इधर जा रही है, तो बॉडी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ओरिजिन को क्रॉस करती हुई जा रही है, इसका मतलब ये है। तो वेलोसिटीज नेगेटिव हो सकती हैं लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम खत्म, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलेरेशन, स्लोप है ही नहीं, एक्सेलेरेशन 0, स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, सीधे सीधे मतलब है इसके। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, लेकिन बॉडी यू से स्टार्ट हुई है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी टाइम की स्लोप बढ़ती जा रही है तो एक्सेलेरेशन बढ़ती 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 जा रही है, तो दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलेरेशन इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम की स्लोप क्या देती है? एक्सेलेरेशन, तो स्लोप गिरती जा रही है, एक्सेलेरेशन गिरती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलेरेशन, स्लोप नेगेटिव है बताया अभी, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव है, यानी कि रिटार्डेशन का केस है। और वैसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझ लो, पहले वेलोसिटी मान लो इमेजिन कर लो 100 मीटर पर सेकेंड है, फिर 90 हो रही है, फिर 80 हो रही है, 70 हो रही है, फिर 0 हो रही है, इट्स अ केस ऑफ रिटार्डेशन, ए नेगेटिव है, ठीक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट है कोई भी किसी भी किस्म का एरिया हो, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सारे एरियाज को पॉजिटिव करना है, नेगेटिव तो करना ही नहीं, एरिया डिस्टेंस में सारे एरियाज मिला देने हैं, डिस्प्लेसमेंट में ये एरियाज ऐड करना है, लेकिन ये एरिया क्या कर देना, न्यूमेरिकल में माइनस करना है, ऐसा हमने सीखा था। ये मत पूछना एरिया कैसे निकलेगा इसका, वो क्वेश्चन नहीं है, तो एक ट्रिक है कैसे एरिया ऐड सबट्रैक्ट करना है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक? जैसे इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सेम ग्राफ बना रहा हूँ फिर से, वेलोसिटी की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है, करते 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 0, फिर डायरेक्शन चेंज, यानी कि वही चीज़ है कि बॉडी मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से गई, जैसे सपोज करो ये बॉडी है, इसको मैंने फेंका 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, 100, 90, 70, 0, ठीक है, 100, 90, 70, 0, फिर उसके बाद टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 के बाद वेलोसिटी 10, 20, 30, 100, तो डायरेक्शन हैज चेंज्ड। मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, जरूरी नहीं कि ये एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि पहले आपने किसी वेलोसिटी से बॉडी को घेरा, वेलोसिटी कम हो रही है, 0 हो रही है, यानी कि बॉडी ऊपर जा रही है, मान लो रिटार्डेशन है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, नीचे की तरफ बढ़ती 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 जा रही है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन हैज चेंज, तो अगर ऊपर नहीं जा रही तो फिर नीचे आ रही है, इसका मतलब ये है। तो कोई भी एग्जांपल से समझाया जा सकता है। स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा ही नहीं। सेम क्वेश्चन अगर स्पीड के साथ बनेगा कि मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी 100, 90, करते करते 0, 100, 90, करते करते 0, फिर उसके बाद टॉप मोस्ट पॉइंट से 0, 10, 20, 30, 100, पर स्पीड नेगेटिव होती नहीं कभी भी, तो इसलिए क्वाड्रेंट नीचे नहीं जाएगा, ये ग्राफ ऊपर ही उठ जाएगा, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं। अगर ये वेलोसिटी होती तो ग्राफ ऐसा कंटिन्यू हो जाता, स्पीड है नीचे जाने की बजाय ये वापस ऊपर चली जाएगी, बस ये फर्क है। तो स्पीड के ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। तो इसके अंदर भी बॉल को मैंने ड्रॉप किया ऑन दी ग्राउंड फ्रॉम सर्टन हाइट, तो जैसे ये बॉल है, यू इज इक्वल टू 0, स्पीड 0 है,
जमीन पे टकराई विद अ वेलोसिटी ऑफ सपोज 100, फिर टकरा के मेरे हाथ में वापस आ गई और वेलोसिटी फिर से क्या हो गई, जीरो। तो स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हो, तो 100 से चली जीरो हुई और फिर 100 पे आ गई। तो कुछ भी इंटरप्रेट करके आप इसमें आंसर दे सकते हो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये नहीं मैंने करवाया आपको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन हर वक्त बॉडी की कॉन्स्टेंट है, इट इज अ केस ऑफ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये शो कर रहा है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर सपोज करो मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, सपोज ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, ये ग्राफ है, और अगर मैं इसके अंडर एरिया निकाल दूं, अंडर नीचे का एरिया, तो क्या आएगा, ए इंटू टी आएगा, एरिया आ गया। लेकिन मुझे पता है वी क्या होता है, यू प्लस ए टी, तो वी माइनस यू क्या है, ए टी। तो इसका मतलब एरिया की वैल्यू हमें क्या देगी, चेंज इन वेलोसिटी। फॉर्मूला बुकलेट में एंटर कर लो ये फॉर्मूला कि एरिया अंडर लिखा हुआ है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी नहीं देगी, क्या देगी, चेंज इन वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी टेस्ट में पक्का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस रिजल्ट पे पक्का आएगा। तो मैं नंबर अगर गेन कर सकते हो तो कर लेना, मैंने बता दिया एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव चेंज इन वेलोसिटी, मार्क करना, वेलोसिटी मत मार्क करना। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? बाकी के क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं वो हमने अपने याद है ग्राफ वाली शीट की थी एक, कार और स्कूटर वाली, सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया असाइनमेंट में, हमें जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डन।